राइट नवनीत, अप्लाई में सर। नमस्कार किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड की इस सीरीज में जिसे हमने नाम दिया है बायो रैशनल्स नेक्स्ट का। तो बायो रैशनल्स नेक्स्ट क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि ये जो बायो रैशनल्स का के जो इस रेंज के जो उत्पाद हैं वो आगे कृषि उत्पादन बढ़ाने में और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट की यानी पर्यावरण की रक्षा करने में बहुत ही ज्यादा बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, बहुत ही महत्व होने वाला है। तो इसी सीरीज में इसी ये एक बायो रैशनल नेक्स्ट नाम की ये श्रृंखला है जिसमें आने वाले काफी दिनों तक 20 जुलाई तक हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग डेली लेकर के आएंगे आप सभी के सामने। और इस प्रोग्राम का जो एक उद्देश्य है वो ये है आपको इन सभी ये जो बायो रैशनल प्रोडक्ट्स हैं इनसे अवगत कराना, साथ ही साथ आपको ये बताना कि आप कैसे इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने में। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रोडक्ट मैनेजर और ये पूरी श्रृंखला के जो रचयिता है मिस्टर सागर जाधव को कि वो आए और हम सभी को बताएं, आपका सभी के साथ में शेयर करें कि क्या है ये बायो रैशनल्स का कॉन्सेप्ट और कहां लेकर जा सकता है ये हमें कृषि उत्पादन के नाम की दुनिया में। तो सागर जी, यू आर वेलकम हियर। धन्यवाद गरिमा जी। किसान दोस्तों, विक्रेता दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सागर, आपके साथ जुड़ा हूं हमारे सुमितोमो केमिकल के दिल्ली ऑफिस से और सुमितोमो केमिकल से आयोजित इस प्रोग्राम में बायो रैशनल्स नेक्स्ट। इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जाहिर सी बात है, जब आपने ये नाम देखा होगा बायो रैशनल्स नेक्स्ट, तो आपको भी ये मतलब काफी एक्साइटमेंट होगी कि सुमितोमो इस बार इस प्रोग्राम के जरिए क्या इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाएगी। तो जी हाँ किसान दोस्तों और विक्रेता दोस्तों, जो भी आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं और जो भी इस प्रोग्राम को आगे जाके देखेंगे, मैं सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों, सुमितोमो केमिकल बायो रैशनल की वर्ल्ड वाइड लीडर कंपनी है। इसका मतलब ये कि जो भी जैविक उत्पादन है हमारी खेती के लिए, उस उत्पादनों की जो निर्माता है ये वर्ल्ड वाइड एक लीडर कंपनी है जो अनेक तरह से रिसर्च आप इस उत्पादनों पे करती है। यूएस में, जापान में और बहुत सारी कंट्रीज में इसका रिसर्च होता है और हम अनेक कंट्रीज से ऐसे उत्पादन को यहाँ पे आप तक पहुंचाते हैं। हेमंत सर, प्लीज आप जरा प्रेजेंटेशन ऑन करिए। तो दोस्तों, जो बायो रैशनल्स है ये दरअसल बायोलॉजिकल्स प्रोडक्ट्स होते हैं और इनका इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है जहां हम एग्रीकल्चर उत्पाद की बात करते हैं, जहां हम उत्पाद सिर्फ उत्पाद ही नहीं उसकी क्वालिटी की हम बात करते हैं। तो इस कैंपेन के जरिए हम आप तक ये सारी जानकारी जो है वो पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे बायो रैशनल्स प्रोडक्ट आपके खेती में एक नया आयाम लेके आ सकते हैं और कैसे ओवरऑल कृषि की जो जो हमारी ओवरऑल प्रैक्टिसेस है वो उनको भी हम कैसे बदल सकते हैं, ताकि हम ऐसा जो हमारा कृषि उत्पाद है ऐसा तैयार करें जो हमारे एंड कंज्यूमर है, जो उसको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको हम सेफली वो उत्पादन जो है वो पहुंचा सके। तो ये कॉन्सेप्ट में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों, बायो रैशनल्स की अगर हम बात करते हैं तो बायो रैशनल्स क्या होते हैं? बायो रैशनल्स एक ऐसे फॉर्मुलेटेड उत्पाद होते हैं जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस से और नेचुरल सोर्सेस से तैयार होते हैं। मतलब इनको बनाने में कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता। जो भी नेचुरल सोर्सेस है उन नेचुरल सोर्सेस के तहत उनको डेवलप किया जाता है और उनको इस तरह फॉर्मुलेट किया जाता है कि वो हम अपने एग्रीकल्चर में विविध चीजों के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, चाहे वो बायो पेस्टिसाइड के माध्यम से हो,
चाहे वो क्रॉप की ग्रोथ के एनहांसमेंट के लिए हो, चाहे वो आपके क्रॉप के जड़ के ओवरऑल रूट डेवलपमेंट के लिए हो या आपकी सॉइल की हेल्थ के लिए हो। तो बायोरेशनल प्रोडक्ट्स ये सारे नेचुरल और बायोलॉजिकल सोर्सेस से डेवलप की जाती है। तो ओवरऑल क्यों हमें बायोलॉजिकल्स का यूज करना चाहिए? दोस्तों आजकल आप सुन रहे होंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, शाश्वत खेती हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वो शाश्वत खेती सिर्फ हमें बुक में ही रखना है या उसका उपयोग भी करना है? तो हम सुमिटोमो केमिकल इसमें आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि आप बेस्ट वे पे बायोलॉजिकल्स उत्पाद का उपयोग कर सको। इसका उपयोग क्यों करना है, उसमें मेरे पास चार कारण है जो हम आने सर पीछे जो हम आने वाले जो पीढ़ी को जब हम खेती हम समर्पित करेंगे तो एक सेफ लैंड हम उनको देंगे, और जो एग्जिस्टिंग अभी हमारा पॉपुलेशन है जब उनको हम फीड कर रहे हैं तो एक सेफ फूड हम तैयार करके उनको दे। तो चार रीजन है बायोलॉजिकल जिसके लिए हमें यूज करना चाहिए। फर्स्ट है इकोलॉजी, हमें सबका ध्यान रखना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है, हमारे जमीन का ध्यान रखना है, हमारे वातावरण का ध्यान रखना है, ताकि जो भी चीज हम एग्रीकल्चर में यूज करें उसका कुछ दुष्परिणाम बाकी ये इकोलॉजी पे ना हो। अगर हम बायोलॉजिकल्स यूज करते हैं तो इकोलॉजी में जो बैलेंस है वो बना रहेगा, और कहीं पे भी कुछ नुकसान आपको हमारे जो जो भी हम खेती में चीजें कर रहे हैं उस पे ना होगा। सेकेंड जो है फूड सेफ्टी, क्योंकि हम जो बना रहे हैं, हम जो फ्रूट बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, जो भी चीज हम एंड कस्टमर्स को दे रहे हैं, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि वो फूड सेफ हो। सेफ हो इन द सेंस उसमें रेसिड्यू कम से कम हो, ताकि जो भी उसको ग्रहण करेगा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो बाकी कोई पशु हो, उसको उससे कोई भी तकलीफ ना हो। तो ये भी एक कारण है जिसके वजह से हमें बायोलॉजिकल्स का, बायोरेशनल प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। दोस्तों तीसरा कारण ये है कि ये जो बायोलॉजिकल्स होते हैं, बायोरेशनल्स होते हैं, ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। टारगेट स्पेसिफिक मतलब जिस चीज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कोई पेस्ट कंट्रोल के लिए कर रहे हो तो सिर्फ वो उसी पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, और उसके साथ जो मित्र कीट है, जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट है, उसके लिए बिल्कुल ही ये सेफ होते हैं। यानी आप जब बायोलॉजिकल्स का यूज आपके फसलों में करते हो तो बेनिफिशियल इंसेक्ट को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है, आपके पर्यावरण को कोई भी हानि वहां पे नहीं पहुंचती है, वो उसी पेस्ट को कंट्रोल करते हैं जिस पेस्ट को आप उसको यूज कर रहे हो। साथ ही साथ चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बायोलॉजिकल्स क्यों यूज करना चाहिए, वो है ये जो बायोलॉजिकल्स होते हैं प्रोडक्ट्स, बायोरेशनल प्रोडक्ट्स, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनका कोई रेसिड्यू नहीं होता है जो वातावरण में या सॉइल में ये छोड़ते हैं। जब हम इनको उपयोग में लाते हैं ये कंप्लीटली डिग्रेडेबल होते हैं। अब हो सकता है दोस्तों ये चार कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको बोली है वो आपको बहुत बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट लगे, लेकिन दोस्तों समय आ चुका है खेती को अलग नजरिया से देखने का, समय आ चुका है एक रिस्पॉन्सिबल एग्रीकल्चरिस्ट हमें खेती करने का, और उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, लेकिन अब कई किसान हैं, जैसे हम लोग अभी पिछले दो साल से इस चीज में स्टडी कर रहे हैं, और हमारे किसान मित्र है, विक्रेता मित्र है, वो जब कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज करने का सोचता है तो उसके सामने दो से तीन चैलेंज अभी फिलहाल मार्केट में है। फर्स्ट जो चैलेंज है, बायोलॉजिकल नाम के अंदर बहुत सारे स्पूरियस जिसको फेक बायो प्रोडक्ट है वो बिक रहे हैं। तो किसान जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज करना चाहता है उसको ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये जेन्युइन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। उसके बाद बायोलॉजिकल्स ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बहुत ही कम जानकारी हमारे किसान मित्रों को है, मतलब सुना तो बहुत है लेकिन कैसे हम आइडेंटिफाई करें ये प्रोडक्ट बायोलॉजिकल है और सच में इसमें कोई रेसिड्यू नहीं है, इसमें कोई पीएचआई जो एमआरएल और पीएचआई जो है वो कम्प्लीटली जीरो है, तो उसके बारे में भी आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। और जो इल्लीगल सेल चल रहा है इस सेगमेंट में बायोलॉजिकल्स में, यानी जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सीआईबी रजिस्ट्रेशन के विदाउट रजिस्ट्रेशन ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में जा रहे हैं, तो उससे भी हमें बचना है। तो हम
एज अ सुमिटोमो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जेन्युइन बायोरेशनल प्रोडक्ट्स है इनका जेन्युइन इंफॉर्मेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो कौन से प्रोडक्ट अभी मार्केट में है, उसकी इंफॉर्मेशन इस सेशन के दौरान आपको देंगे। और हम जिस कंपनी के साथ ये काम करते हैं वो है वैलेंट बायोसाइंसेस यूएसए, एक अमेरिका की कंपनी है जो तीन सेगमेंट में बायोरेशनल में काम करती है। एक है बायोरेशनल क्रॉप एनहेंसमेंट जो फसलों को ग्रोथ के लिए वो सपोर्ट करता है। फिर सेकेंड कैटेगरी आती है बायोरेशनल राइजोस्पेयर जो आपके जड़ और सॉइल के हेल्थ डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और तीसरा जो सेक्टर है ये है बायोरेशनल क्रॉप प्रोटेक्शन जो आपके फसलों को विविध पेस्ट से जो है बचाता है। तो यूएस की ये बहुत बड़ी कंपनी है जिनके बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च चलता है इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पे, और इसी का नतीजा है और हम प्राउडली कहते हैं कि सुमिटोमो अभी आपको 4 ऐसे बायोरेशनल प्रोडक्ट दे रही है जो पूरे इंडिया में जो किसान है उनके बीच काफी प्रचलित है। और उसी के साथ मुझे बहुत आनंद होता है, हर्ष होता है बताने के लिए आने वाले समय में हम बहुत सारे ऐसे उत्पाद जो है वहां पे लेके आने वाले हैं। तो अभी जो हमारे पास बायोरेशनल प्रोडक्ट रेंज है उसमें आप देख सकते हो नेचर डीप, वर्ल्ड का बेस्ट माइकोराइजा डाइपेल, इंडिया का ओनली वन प्रोडक्ट जो बैसिलस थरेंजेनेसिस लिक्विड फॉर्मुलेशन में है, प्रोजीप और प्रोजीप इजी, इतने प्रचलित उत्पाद है भारत में सुमिटोमो के जो हर एक काफी किसान जो सब्जियों की खेती करता है, फ्रूट की खेती करता है, अनार है, अंगूर है और बहुत सारे फसल है जिसमें वो लोग उपयोग करते हैं। और सबसे ज्यादा बिकने वाले ये जिब्रेलिक एसिड के प्रोडक्ट है, उसी तरह सबसे ज्यादा बिकने वाला ये नेचर डीप माइकोराइजल प्रोडक्ट है, और सबसे ज्यादा बिकने वाला डाइपेल बैसिलस थरेंजेनेसिस ये उत्पाद है। तो इन उत्पादनों को और समझने के लिए हमारे साथ यहाँ पे जुड़े है हेमंत शेलार जी, इनका भी काफी वर्क इन बायोरेशनल्स पे पिछले 5-10 साल में रहा है, तो मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ और आगे जाके ये हर एक प्रोडक्ट को यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देंगे, साथ ही साथ कैसे उपयोग करना है और क्या इसके फायदे है वो भी हमें बताएंगे। हेमंत सर प्लीज। हाँ धन्यवाद सागर जी। जैसे कि सागर जी ने बताया कि बायोरेशनल क्या है, बायोरेशनल की नीड क्या है आगे आने वाले समय में, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं एक किसान भाइयों, पहले मैं आज के ऑनलाइन प्रोग्राम में सहभागी हुए सभी किसान भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। आज के कोरोना महामारी में अभी ये जो संकट है अभी तो टला नहीं है, लेकिन जो भी गाइडलाइन आ रही है गवर्नमेंट के तरफ से, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है, तीसरा जैसा अपनी बारी आने के बाद वैक्सीनेशन करना, ये सभी आप रूल फॉलो करके हमें ये महामारी से मुक्त होना है। चलो इस अभी हमारा जो मेजर टॉपिक था कि सुमिटोमो का बायोरेशनल प्रोडक्ट यूज करके हम चिली का बम्पर यील्ड कैसा निकालें, उसके लिए क्या करें। तो पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसा सागर जी ने बताया कि बायोरेशनल प्रोडक्ट और बाकी के जो मार्केट में बायो प्रोडक्ट है, मैं वही एक डिफरेंशिएट मीन्स लोकल इसमें बताऊंगा कि बायोरेशनल प्रोडक्ट है ये जो है ये रियल बायो है, ये CIB रजिस्ट्रेशन और एक्ट वाले बायोरेशनल प्रोडक्ट है। ये यूएसए की जो कंपनी वैलेंट बायोसाइंस इसके निर्मित उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की। जो मार्केट में बायो आ रहे ये नाम के लिए बायो होते, उसमें बायो मीन्स वो केमिकल बेसिड होता है, तो उसका यूज करने से बहुत सारी दिक्कत आई है, ये सभी को पता है। वो नाम के बायो लेकिन उसमें केमिकल ही रहता है। जैसा चिली का बात करें उसमें बहुत सारे बायो प्रोडक्ट लाए थे, इंसेक्टिसाइड बायो इंसेक्टिसाइड है, उसमें वायरस बढ़ने की भी शंका हुई थी तो बड़ा इश्यू आया था। तो ये मेजर डिफरेंशिएट है मीन्स बायोरेशनल प्रोडक्ट और स्पूरियस बायो प्रोडक्ट। अभी ये जो सुमिटोमो के बायोरेशनल प्रोडक्ट यूज करके हम चिली का उत्पाद कैसा बढ़ाएंगे, इसमें अभी क्या है कि मेजर चैलेंजेस आ रहा है चिली में, जैसा कि लीफ कलर वायरस एक बड़ा चैलेंज है, थ्रिप्स है, माइट्स है, उसके बाद कैटरपिलर्स है, सर्कोस्पोरा है, विल्टिंग आ रहा है। और सब होने के बाद आप देखेंगे कि लगभग आप देखेंगे तो 22 से लेकर 30 स्प्रे होते हैं लगभग चिली क्रॉप में, मीन्स आप ट्रांसप्लांटिंग के बाद आपको हार्वेस्टिंग
छह महीने से आठ महीने तक ये क्रॉप का स्पैन है, तो ये सब इतने स्प्रे होने के बाद हम उसमें यील्ड उत्पाद कैसा बढ़ाए उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखेंगे किसान भाइयों कि इसमें जो आप बात करेंगे कि देखिए कि हम जो 20-22 स्प्रे या 20-30 स्प्रे होते हैं तो हमारा मेजर फोकस होता है स्प्रे पे, मीन्स ऊपर स्प्रे पे, पौधे के ऊपर स्प्रे पे। लेकिन किसान भाई हमें इसके बावजूद हमें जमीन के नीचे मीन्स रूट के आजूबाजू, जड़ों के आजूबाजू हमें काम करना पड़ेगा। ये काम क्यों करना पड़ेगा, मीन्स रूट के आजूबाजू क्यों काम करना है? तो ये इसलिए करना है कि अभी डे बाय डे चैलेंजेस बढ़ रहे, आपकी जो जमीन है वो हार्ड हो रही है, आप जो केमिकल खाद डाल रहे हैं जैसे कि डीएपी सुपर फॉस्फेट जो भी डाल रहे हैं, केमिकल खाद जो डाल रहे हैं एनपीके या वाटर सोल्युबल यूज कर रहे हैं, उसके वजह से सॉल्ट और क्लोराइड जमा हो रहे हैं, उसका सॉल्ट और वो जमा हो रहा है। दूसरा जो आप फॉस्फोरस सोर्स के लिए या आप यूज कर रहे हैं डीएपी या एसएसपी, तो वो फिक्स होता जा रहा है, तो उसके वजह से बड़ा चैलेंज आ रहा है। आप देखेंगे फॉस्फोरस और ये जो ब्लाइट है, फंगस का कोरिलेशन है ना, तो ये जो चैलेंजेस है तो ये इस पे हम काम करेंगे तो पौधा आपका तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा। जितना पौधा हेल्दी रहेगा उतना हमें जो भी आगे आने वाली जो समस्या है उस पे हमें छुटकारा मिल सकता है ना। तो उसके लिए क्या है, तो यही है कि बायो रैशनल में सुमिटोमो ने एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है नेचर डिप। ये नेचर डिप क्या है, ये नेचर डिप यूएसए मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोराइजा बेस्ड बायो फर्टिलाइजर है। इसमें 50% माइक्रोराइजा है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं माइक्रोराइजा ये चीज है क्या, ये नेचर डिप नाम से हमने लॉन्च किया है, तो नेचर डिप है क्या। तो अभी देखो माइक्रोराइजा, माइक्रो मीन्स फंगस, राइजा मीन्स रूट्स, मीन्स ये फंगस है, उसको जड़ों में ग्रो होके इसका म्यूचुअल बेनिफिशियल एक्शन होता है। तो ये समझो नेचर डिप है। तो नेचर डिप का मेजर रोल है, तो ये काम कैसा करे हम पहले समझाते हैं कि नेचर डिप में जो माइक्रोराइजा है इसका रोल क्या है, वो काम कैसा करता है, फिर क्वालिटी माइक्रोराइजा और स्पूरियस माइक्रोराइजा या मार्केट में बहुत सारे माइक्रोराइजा है उसमें डिफ्रेंशिएट क्या है, और नेचर डिप ही क्यों, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। और इसका फायदा अपने चिली के क्रॉप के लिए या बाकी जो भी हम सब्जियां लगा रहे उसके लिए इसका यूज कैसा करें वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया नेचर डिप है ना, ये यूएसए बेस्ड प्रोडक्ट है। जब आप ये समझो इसमें क्या है कि इसमें माइक्रोराइजा के स्पोर्स है, बीज है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं कि ये माइक्रोराइजा इसमें जड़ है, मीन्स रूट्स है, तभी माइक्रोराइजा काम करता है। कुछ बहुत सारे कंपनी माइक्रोराइजा स्प्रे के लिए भी स्प्रे के लिए रिकमेंड करते हैं, ये चलेगा, मीन्स उसका कुछ यूज ही नहीं है। जब ये नेचर डिप मीन्स माइक्रोराइजा नेचर डिप ओनली जब जड़ होते हैं तभी ये काम करता है, मीन्स उसके लिए उसका नाम पड़ा है माइक्रोराइजा है ना। ये इसमें क्या है, नेचर डिप में माइक्रोराइजा के बीज है, जब आप देते हैं जैसे ड्रेंचिंग या आप ड्रिप थ्रू देते हैं तो ये सॉइल के कांटेक्ट आने के बाद, मिट्टी के कांटेक्ट में आने के बाद ये अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद इसके जो जड़ है, नेचर डिप के जो जड़ है माइक्रोराइजा के, आपका जो चिली का जो पौधा है उसके जड़ों में जाके उससे थोड़ा ऑर्गेनिक कार्बन लेके खुद की रूट सिस्टम, जड़ों की रूट सिस्टम तैयार करता है, जाला बना देता है ना। उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा चिली का जो जड़ है उससे ऑर्गेनिक कार्बन लेके खुद की जड़ों की सिस्टम में जाला बना देता है। तो इसके ये जो जाला बना देने के बाद जो न्यूट्रिएंट पानी जो अपटेक करके वो माइक्रोराइजा के जड़ प्लांट को देते हैं, उसके लिए प्लांट को देते हैं माइक्रोराइजा के जड़ है ना, माइक्रोराइजा के मीन्स उसको प्लांट को देते हैं नेचर डिप के जड़ है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो माइक्रोराइजा के जड़ जब उसको दे देते हैं तो ये म्यूचुअल बेनिफिशियल है, मीन्स माइक्रोराइजा और रूट्स उसको बेनिफिशियल, उसका कोरिलेशन है, एक दूसरे के लिए है ना। तो इसमें क्या होता है, मीन्स हमें माइक्रोराइजा देने के बाद क्या रहेगा, क्या क्या उसकी क्वालिटी है, हम उस पर डिस्कस करेंगे है ना। तो जैसा कि अभी नेचर डिप देने के बाद उसमें क्या होता है कि मैंने वही बताया कि देखो कि कोई भी फसल है उसमें दो टाइप के जड़ होते हैं। अभी मिर्च का हम फसल लेते हैं उसमें व्हाइट रूट्स है और दूसरा व्हाइट रूट्स में जो फीडर रूट्स बोलते हैं, सफेद जड़ बोलते हैं, और दूसरा जो रूट होते हैं वो सपोर्ट करने के लिए रूट होते हैं।
तो जो सफेद जड़ की जो लंबाई है, सफेद जड़ की जो लंबाई दिख रही है उसकी लंबाई होती है ओनली 4 to 5 centimeters, उसके थ्रू जो भी खाना दे रहे हैं आप, पानी दे रहे हैं, वो अपटेक होता है उसके लिए, ऐसा है। तो वो जो जड़ है उसके लिए वो जड़ के थ्रू वो जो जड़ जड़ होता है तो वो जड़ थ्रू न्यूट्रिएंट और मिल जाता है। लेकिन इश्यू क्या होता है कि वो 4-5 centimeters उसकी लंबाई है, 4-5 centimeters लंबाई की वजह से, है ना, 4-5 centimeters लंबाई की वजह से उतना जितना अपटेक है उसके एरिया का वही हो जाता है। लेकिन जब नेचर डिप देने के बाद, जो मैं वही बात कर रहा था, नेचर डिप की ये जो जड़ है उसकी लंबाई है 20 to 25 centimeters, तो उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से देखिए जाला बना गया, उसके वजह से जहां पे अपने सफेद जड़ पहुंचते नहीं रूट के, वो ये बाकी मीन्स नेचर डिप के सफेद जड़ वहां पे पहुंच के जहां पे न्यूट्रेंट पानी जो भी पड़ा है वो अपटेक करके प्लांट को देता है। वहां पे हमारा जड़ पहुंचेगा नहीं, वो वेस्ट है, ये सब अपटेक करके प्लांट को देने का रोल मेजर नेचर डिप का होता है। तो आप देखेंगे कि ये इसमें स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नेचर डिप यूज करने के बाद ये जो बीच में दिख रहा है ये अपना रेगुलर रूट है, और ये नेचर डिप देने के बाद ये जाला बना दिया, है ना। तो इसका फायदा क्या होगा, अभी देखिए इसका जाला बना दिया, समझे ये क्रॉप है, ये पौधा है, तो ये अपने जो नॉर्मल रूट है उतना ये न्यूट्रिएंट पानी जो भी मिल रहा है वो ले लेगा। लेकिन नेचर डिप देने के बाद क्या होगा कि ये बाजू वाला जो दिख रहा है, इसको जो एक्सटेंशन ऑफ ये जो बाजू वाला जो एरिया है वहां पे आप आगे देखेंगे, ये देखिए कि अपना ये नॉर्मल रूट है। जब नेचर डिप इतना यहाँ से जो अन्न द्रव्य है, जो एनपीके है, पानी है, ये सब अपटेक वहां से होता है। ये देने के बाद समझो नेचर डिप देने के बाद ये इतना एरिया, ये स्पेस बढ़ता है, वहां पे जो न्यूट्रिएंट पानी जो पड़ा है वो वेस्ट है, लेकिन नेचर डिप देने के वजह से वो जो वहां पे पड़ा है वो टोटल अपटेक करके आपको प्लांट को देगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि प्लांट को अवेलेबल करके देगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि जैसा कि अभी देखो कि नेचर डिप के मेजर रोल क्या है, वो काम क्या करेगा, तो नेचर डिप देने के बाद क्या होगा, अभी जैसा कि मैंने बताया कि एक तो व्हाइट जो व्हाइट रूट है मीन्स उसकी संख्या बढ़ाएगा, दूसरा ये जो आप इसका जाला बनाने के वजह से, है ना, जो भी न्यूट्रेंट पड़े है वो 20-25 centimeters के रेडियस में ये टोटल अपटेक करके आपको पौधे को देगा। उसके लिए उसमें मेजर देखो कि कभी कभी क्या होता है कि बारिश मीन्स पानी का कमतर का वजह से या पानी नहीं दे पाए हम, तो 8-10 मीन्स उसको क्या है जो गैप पड़ गया, लेकिन 8-10 दिन का भी गैप होने के बाद भी ये जो रूट जो माइक्रोराजे के जो जड़ है ना, ये जो जड़ है, ये माइक्रोराजे के जो जड़ है नेचर डीप के, ये टोटल अपटेक करके पानी उनको आपके मेन पौधे को देता है। तो उसको आपका जो लाइफ है पौधे का, तो 8-10 दिन वो सस्टेन करेगा, वो मरेगा नहीं। दूसरा मैंने बताया कि आप देखते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब नेचर डिप का जड़ आप चिली के जड़ में जाके वहां पे जब टच होता है, इंसर्ट होता है, उसी टाइम में एक सब्सटेंट उसका नाम है ग्लोमिनिन, वो मिट्टी पे गिर जाता है, उसके वजह से मिट्टी की भुरभुरापना 100 to 1000 times बढ़ता है। भुरभुरापना बड़ा मीन्स उसका राइजोस्फीयर, मीन्स जो जड़ों के अंदर ये जो दिख रहा है ये जो मिट्टी है उसको बोलते हैं राइजोस्फीयर एरिया सराउंडिंग। तो यहाँ पे भुरभुरापना बढ़ने के वजह से हवा खेलती रहती है और जो न्यूट्रिएंट पड़े हैं, न्यूट्रिएंट पानी, वो इजीली अपटेक होके प्लांट को मिल जाते हैं, है ना, इसका एक फायदा है। दूसरा अभी मैंने बताया कि जैसा कि जो मैंने बताया जो फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर है, फॉस्फोरस इजिली अवेलेबल नहीं होता, फॉस्फोरस के 3 zones होते हैं, ये ऊपर वाला जो है वहां पे अपटेक होता है, ये बीच वाला जो है वो इजीली अपटेक नहीं होता और ये तो ब्लॉक होता है। तो नेचर डिप देने के बाद क्या होता है, ये जो फास्फोरस यहाँ पे ब्लॉक हुआ है उसको अनब्लॉक करके पौधे को देने का रोल अपना नेचर डिप करता है, ये एक एडिशनल बेनिफिट है। दूसरा ये जो क्लोराइड्स और ये जो सॉल्ट आए हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करके जो न्यूट्रेंट इजिली मीन रूट जोन में अवेलेबल नहीं होता, वो अवेलेबल करके प्लांट को देने का रोल होता है नेचर डिप का। तो दोस्तों मैं वही बोल रहा था कि जो अपने चैलेंजेस है कि जैसा मिट्टी हार्ड हुए, क्लोराइड से भुरभुरा पाना नहीं है, तो ये सभी जो खामियां है, ये जो सभी जो विशेषता है, ये नेचर डिप पूरा करेगा। उसके वजह से क्या होगा, नेचर डिप ने काम किया कि ये सब इसको दे दिया, अवेलेबल करके दे दिया, फॉस्फोरस दे दिया, जहाँ पे पानी दे दिया, जो जो जैसे टॉप न्यूट्रेंट है जैसा फॉस्फोरस है,
ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है और फेरस है ना, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, ये सब उपलब्ध करके प्लांट को देना, ये मेजर रोल नेचर डिप का है। तो नेचर डिप ये देने के बाद जो विशेषता मैंने बनाया, तो उसके वजह से पौधा तंदुरुस्त होगा, हेल्दी होगा, तो वो इजीली बाकी जो डिसीज है, पेस्ट है या वायरस है, उसको फाइट करेगा। जितना पौधा तंदुरुस्त रहेगा, जितना पौधा सेट होगा, वो इजीली आपके आपके जो भी चैलेंज आ रहे हैं उसको फाइट करेगा। तो नेचर डिप जो बात किया हमने, तो वही है कि नेचर डिप का मोटा मोटा चार यूज है। जड़ों की संख्या बढ़ेगा, व्हाइट रूट उसका न्यूट्रिएंट अपटेक करके देगा, पीएच मेंटेन करेगा, और जो देखो कि क्या होता है कि दोपहर में धूप पड़ती है, इवनिंग में तो फिर ठंड आती है या ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो पौधा स्ट्रेस में, वो स्ट्रेस फ्री करके पौधा जल्दी सेट होता है। पौधा जल्दी सेट होने के वजह से है ना, और उसका आगे फुटाव भी आ जाता है। ये ऑल इन वन जो काम करता है नेचर डिप। तो हमें हमें जो है अभी अपने को ये तो माइक्रोराइजा या नेचर डिप की हमने इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन इश्यू क्या हो रहा है कि मार्केट में बहुत सारे टाइप के 100 टाइप के माइक्रोराइजा है ना। मैंने बताया कि वो वहां पे हर अपना कंपनी बेचना चाहते है कि ये मेरा माइक्रोराइजा, लेकिन नेचर डिप और बाकी माइक्रोराइजर में फर्क क्या है। ये नेचर डिप मैंने वही बताया कि ये यूएसए बेस्ड माइक्रोराइजा एप्लीकेशन जो है कंपनी उसका रिसर्च प्रोडक्ट है, वो इंडिया में हमने अवेलेबल कर दिया है। इसमें देखो माइक्रोराइजा में टू टाइप ऑफ माइक्रोराइजा होता है, कि एंडो माइक्रोराइजा, एक्टो माइक्रोराइजा। तो अपने एग्रीकल्चर के लिए एंडो माइक्रोराइजा का रोल है, तो इसमें चार स्पेसीज एंडो माइक्रोराइजा के, उसका मैंने जो काम बोला कि वो अलग अलग काम करते हैं। सबसे मेन देखेंगे तो इसकी विशेषता क्या है, कि क्यों फीचर क्या है, क्यों हमारा नेचर डिप बाकी मार्केट के माइक्रोराइजा से डिफरेंट है। तो पहला क्या है कि ये यूएस बेस है 100%, आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसए, 100% यूएसए से इम्पोर्ट होता है। ये जो बना है माइक्रोराइजा एप्लीकेशन कंपनी है, जो माइक्रोराइजा में 40 साल से काम कर रही है ना, उसके थ्रू हम इंडिया में अवेलेबल करके दिया है। दूसरा, इसमें 100% माइक्रोराइजा है, इसमें कोई बाकी ह्यूमिक एसिड वगैरह नहीं है। और मैं वही बोल रहा था कि माइक्रोराइजा है गुड क्वालिटी का माइक्रोराइजा रहेगा तो बाकी ह्यूमिक एसिड वगैरह इसका रोल ही नहीं। उसके वजह से ये 100% पानी में डिजल होता है, समझा, आप ड्रिप से देंगे या ड्रेंसिंग करेंगे तो पानी में हिलाएंगे तो मीन्स तुरंत घुलता है, लेकिन बाकी का घुलता नहीं, क्योंकि उसमें बाकी का रोल है। तो उसमें ह्यूमिक एसिड डाल दिया तो माइक्रोराइजा का रोल ही खत्म हो जाता है ना। तो इसमें 100% माइक्रोराइजा है। ओमरी सर्टिफाइड है, मीन्स ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक मटेरियल रिव्यू इंस्टीट्यूट, ओमरी ये वर्ल्ड की एक संस्था है, यूएसए बेस्ड संस्था है। ये जो रियल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको ये सर्टिफिकेशन देते हैं। तो ये एक में वर्ल्ड का माइक्रोराइजा है, उसको ओमरी सर्टिफाइड मिला है नेचर डिप को, है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन में कि ये रिसर्च लैबोरेटरी, यहाँ पे नए नए स्पेसीज का रिसर्च होता है और वो रिसर्च इसमें डाला जाता है, नया नया यहाँ पे रिसर्च, अलग अलग रिसर्च लैबोरेटरी। यहाँ पे जो माइक्रोराइजा बन रहा है इसमें क्या माइक्रोराइजा के बीज है, तो हमें पता ही नहीं इसमें बीज है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रोराइजा बनता है तो 8x10 के इसमें फैक्ट्री में बनता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अदर पीजीआरई रहता है, ह्यूमिक एसिड वगैरह। लेकिन हमारा ये रिसर्च बेस्ड माइक्रोराइजा, हमारा वर्ल्ड वाइज इसका रिसर्च होता है, ट्रायल होता है, फिर वो इंडिया में आता है। हमारे नेचर डिप में लेटेस्ट माइक्रोराइजा के स्पेसीज है, वो वर्ल्ड के किसी के माइक्रोराइजा में नहीं है। फिर उसमें का बात आप देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट 50% माइक्रोराइजा है, ये किसी के इसमें 50% माइक्रोराइजा अभी तक मार्केट में किसी के इसमें नहीं है। मैंने वही बताया कि मीन्स नेचर डिप का रोल है राइजोस्फीयर, मीन्स जड़ों के अंदर का जो स्पेस है वहां पे भुरभुरा पना करता है, तो जो भी इजिली जो न्यूट्रेंट है फॉस्फरस है इजिली अपटेक होता है प्लांट को। तो उसके वजह से आपका ये जो अब्सॉर्प्शन एरिया है मीन्स रूट तो 100 to 1000 टाइम बढ़ता है, मीन्स समझो वहां पे जो न्यूट्रेंट पड़ा है नेचर डिप के वजह से राइजोस्फीयर ये एक्टिवेट होता है, उसके वजह से आपका जो न्यूट्रेंट पड़ा है उसकी एक्टिविटी 100 to 1000 टाइम बढ़ जाती है ना। तो मैंने बताया कि इसमें बीज होते हैं, तो बाकी जैसा समझो क्लोरोपाइरीफॉस है, इमिडा है, तो इमिडा में समझो 17.8% अपना कंटेंट होता है, इमिडा होता है। तो इसमें क्या है, मैंने वही बताया कि इसमें बीज है, लेकिन वो काउंट कैसे करें। तो इसमें है नेचर डिप में 1 ग्राम का नेचर डिप लेते हैं तो उसको 225 प्रोपुगल्स, उसके 25 स्पोर्स है, बीज है, समझो 100 ग्राम का लेते हैं तो 225 × 100 मीन 22,500 बीज है इसमें, ये नेचर डिप के 100 ग्राम के डब्बे में, है ना। नेचर डिप का वही फॉस्फोरस अपटेक करेगा, जो न्यूट्रिएंट जो इजीली ब्लॉक हो रहा है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और फेरस है, सब अपटेक करके प्लांट को देने का रोल है नेचर डिप में।
तो ये जो फायदे बताए हमने क्या क्या काम करेगा, है ना, तो 6-7 फायदे है ना, न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ाएगा, आपका पीएच मेंटेन करेगा, जो ड्राउट है मींस समझो पानी आगे पीछे हो रहा है तो 8-10 दिन प्लांट की लाइफ बढ़ाएगा, जब तक जड़ है तब तक, सबसे मेन देखिए कि जब तक जड़ रहेंगे तब तक नेचर डीप काम करता रहेगा, बाकी जो आप टॉनिक या बाकी जो यूज करते हैं ह्यूमिक एसिड वगैरह वो तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन जब तक जड़ है तब तक ये नेचर डीप काम करेगा, है ना, तो सॉयल की लाइफ बढ़ाता है, तो बहुत सारा ये यूज ये नेचर डीप के वजह से हो जाता है। तो नेचर डीप का एप्लीकेशन कैसा कर सकते हैं, आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना, उसका डोज आप 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से कर सकते हैं, जैसा ये सीरियल पल्सेस में है, आप उसको ड्रेंचिंग थ्रू दे सकते हैं, ड्रेंचिंग डायरेक्ट ड्रेंचिंग कर सकते हैं रूट जोन में, या आपको ड्रिप थ्रू दे सकते हैं, ड्रिप थ्रू दे सकते हैं। चौथा यूज है, आप जैसा आप फर्टिलाइजर डालते हैं तो आपके और एक क्वेश्चन आएगा अपने मन में कि ये नेचर डीप ये फंगस है, फिर ये देने के बाद फिर हम बाकी का न्यूट्रिएंट या बाकी का फंजीसाइड देने के बाद क्या होगा। किसान भाई आप पहले ध्यान रखना, इसके नेचर डिप के इसमें जो बीज है वो जिंदा बीज नहीं है, ये बीज है, ये जब आप जमीन के कांटेक्ट में आने के बाद वो जर्मिनेट होते, तो इसमें आप कोई भी केमिकल अपना ये जो इंसेक्टिसाइड है वो यूज कर सकते हैं, ओनली फंजीसाइड उस दिन नहीं करना, उसके 1-2 दिन के बाद आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, आप उसके साथ वाटर सोल्युबल दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर दे सकते हैं, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो नेचर डीप देखिए कि जैसा चिली में, तो चिली में दिखा रहा है कि ट्रीटेड अनट्रीटेड है, है ना, तो जनरली नेचर डीप मैंने एक बताया कि जैसा सी ट्रीटमेंट करते हैं, ड्रेंचिंग करते हैं, हैंड ड्रेंचिंग करते हैं, ड्रिप्स देते हैं, और एक बात जैसा आप फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसको ये पाउडर लेके कोटिंग करके भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप गेहूं है, जैसा पैड़ी है, तो वो फसल में आप डायरेक्ट या जिसके पास फ्लड इरिगेशन की सुविधा नहीं है, तो या उसको लेबर का प्रॉब्लम है, तो आप फर्टिलाइजर या यूरिया या डीएपी के साथ मिक्स करके उसको आप कोटिंग करके आप पर एकड़ में 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम क्रॉप वाइज उसका अलग अलग डोज से मैं आगे आपको कवर करूंगा, आप वो कर सकते हैं। अभी आप चिली का जो बात करेंगे तो इसका जो डोज है हम बोलते हैं 200 ग्राम जाना चाहिए पर एकड़ में, लेकिन 200 ग्राम कैसा देना है, स्प्लिट करना है, 2 बार देना है। देखो 200 ग्राम एक साथ भी दे सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं, दी बेस्ट है, नहीं पॉसिबल तो 100 ग्राम अभी दीजिए। इसका मींस मेन यूज है, मींस नेचर डीप यूज करने का तरीका, ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद 8-10 दिन में जब रूट सेटल होते, जब आपके जड़ सेटल होते उसी टाइम में इसको देना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, 100 ग्राम नेचर डीप आप शुरुआत में दे सकते हैं, 200 ग्राम दिया तो दी बेस्ट है, लेकिन मिनिमम 100 ग्राम तो जाना चाहिए। जैसा चिली का बात करें तो हम नेचर डीप 100 ग्राम है, उसके साथ हम डेंटाटसू 100 ग्राम डालते हैं। डेंटाटसू का यूज क्या है, जमीन के जो सब कीड़े हैं वो कवर हो गए, इंक्लूडिंग टर्माइट, वाइट ग्रब और रूट थ्रॉप सब करके ऊपर वाले सकिंग पेट भी अच्छे कंट्रोल कर सकता है। तो नेचर डीप और डेंटाटसू कॉम्बिनेशन दिया तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं, मैंने वही बताया कि इसको इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर या वाटर सोल्यूबल डाल दिया तो इसका कुछ साइड इफेक्ट होता नहीं, ओनली फंजीसाइड डायरेक्ट नहीं डालना, सेकंड डे आप डाल सकते हैं। दूसरा इसका सेकंड डोज, समझा आपने फर्स्ट 100 ग्राम यूज किया तो सेकंड डोज आपका जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग चालू होता है फूल की अवस्था में उसको 100 ग्राम डालना चाहिए, उसके साथ आप डेंटाटसू डाला तो दी बेस्ट है, क्योंकि आपको जो रूट एक्टिवेट होने के वजह से आपका जो सकिंग पेस्ट का जो है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हमारे पास कुछ किसान भाई है जैसा कि हरदा सराउंडिंग है, हमारे धमतरी के, इवन बरवानी निमाड़ के है, बरोड़ा साइड के है, ये सब लोग हर मंथ में मीन समझो उसका डोज 100 ग्राम से लेके आपको जितना चाहिए वो डाल सकते हैं, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है। इसका फायदा क्या होगा कि आपने जो जितने भी फर्टिलाइजर दिए वो इजीली अपटेक हो गए, आपका वेस्ट नहीं होगा और आपका उत्पाद बढ़ेगा, तो ये मोड ऑफ एक्शन है अपना नेचर डीप की, है ना। तो ये जो अलग अलग क्रॉप में अलग अलग डोज है, लेकिन नेचर डीप जो है सब्जियां में 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम बाकी क्रॉप में है आप 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम यूज कर सकते हैं। 200 ग्राम एक साथ दिया तो दी बेस्ट है, लेकिन इसका एक ही यूज है, जब पौधा सेट होने के बाद मीन्स ट्रांसप्लांटिंग के बाद 8-10 दिन में होना चाहिए, मीन्स जड़ का सेटलमेंट, जड़ सेट होना चाहिए, जड़ सेट होने के बाद ही हम ये दे सकते, तब वो एक्चुअली अच्छा काम करेगा। देखो प्योर फार्म का जो नेचर डीप है
हमारे नेचरली का रिजल्ट आपको लगेगा 10-15 दिन के बाद दिखेगा। जो मार्केट में स्पूरियस माइक्रोराइजा है वो बोलते हैं, जो भी माइक्रोराइजा बोलते हैं उनका रिजल्ट आपको 3-4 दिन में दिखेगा, उसको क्या फर्क है, वो माइक्रोराइजा है नहीं, उसमें बाकी टॉनिक डूनिक डाल के उनको बना है। जो रियल माइक्रोराइजा है उसका रिजल्ट आपको 12-15 दिन के बाद ही दिखेगा। तो मिर्च में देने के बाद अभी दिख रहा है लाइन में कि आपको पौधा रूट व्हाइट रूट बढ़ेगा, फूटा होगा, पौधा जल्दी सेट होगा, और ज्यादा से ज्यादा ये जो सकिंग पेस्ट है बाकी का इसको मीन्स ये स्ट्रांग होने के वजह से उसका प्रकोप कम हो, है ना। ये अब जब तक जड़ रहेंगे तब तक ये काम रहेगा, काम करता रहेगा। और आपको जो भी ये जाला बनाने के वजह से, जैसे कि नेचर डिप ने जाला बना दिया तो आपका फंगस है, दूसरे फंगस को वो बढ़ने नहीं देगा। जाला बनाने के वजह से बाकी निमेटोड भी आया, निमेटोड दिखता अपने को फ्रूट सेटिंग के आजू बाजू, लेकिन एक साइड भी ब्लॉक हुआ तो एक साइड में चालू रहेगा, तो आपका नुकसान नहीं होगा। ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, तो मेरा एक ही सबके दरख्वास्त है कि आप ये यूज करो, चिल्ली में कर रहे, टमाटर, सब्जी भाजी में, जहां जहां पे आप ये कर सकते हैं, ये आपका मीन्स जो ये जो फर्टिलाइजर का है 100% यूज उत्पाद बढ़ाने में फर्क करेगा, और जब तक जड़ है तब तक ये काम करता रहेगा। फिर उसके बाद अभी अलग अलग क्रॉप में अलग अलग डोज हमने दिया है, वो हो गया। उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है, जैसा कि आपको बताया सागर साहब ने कि डाइपेल एबीटी, ये बैसिलस थ्रोंजिसिस, ये एक में वर्ल्ड का बायो पेस्टिसाइड है, ये एक्ट में है। इसमें बैसिलस थ्रोंजिसिस एक बैक्टीरिया है, ये वर्ल्ड में लगभग किसी कंपनी के पास नहीं है, और इसका जो यूज है वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज लेके और ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेके, इंडिया का बात करेंगे तो टॉप यूनिवर्सिटीज से लेके गवर्नमेंट भी इसको रिकमेंडेशन करता है। ये आता है डाइपेल बीटी नाम से, इसमें डाइपेल नाम है, ब्रांड है, लेकिन इसमें है बीटी, बैसिलस थ्रोंजिसिस टेक्नोलॉजी डाला है। तो ये क्या होता है कि ये बायो पेस्टिसाइड क्या है, मीन्स क्यों डालना चाहिए। ये डायपेल का मेन रोल है कि डायपेल में बैसिलस थ्रोंजिसिस ये बैक्टीरिया है, ये 100% ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक होने की वजह से आप बोलते हैं यार ऑर्गेनिक का रिजल्ट बहुत लेट आता है, लेकिन क्या काम करेगा, मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा कि मीन्स डायपेल डालने के बाद क्या होगा और उसका फायदा क्या होगा। सबसे मेन ये जो है ये 100% बायोलॉजिकल है। तो अभी देखे कि एक ताज्जुब की बात, जब हम क्या है कि सब्जी भाजी हम उगाते हैं लेकिन लगभग हम घर में खाते नहीं, क्योंकि क्या केमिकल यूज करते हैं तो उसमें, लेकिन मैं गारंटेड बोलता हूँ सुमिटोमो के प्रोडक्ट है, जैसा डायपेल है, सुमिप्लियो है, जो भी आप यूज करने के बाद डायपेल यूज करने वाला सब्जी आप आराम से दुमीस आज यूज किया 4 दिन में भी आपने खाया कुछ साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है, ओमरी सर्टिफाइड वाला एक में ये जो है बायोपेस्टिसाइड डाइपेल है। तो डाइपेल जो है, डाइपेल में क्या है, डाइपेल ये मेजर काम करता है कैटरपिलर मीन्स इल्ली प्रजाति पे काम करता है। 50 टाइप के इल्ली जो आ रही है इंडिया में उसके ऊपर ये असरदार है। इसमें जो है बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्रोंजिसिस, है ना। तो इसका फायदा क्या है ना, ये ओमरे सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक है। सबसे मेन इसमें क्या है कि ये डालने के वजह से क्या होगा कि इसमें मेजरली ये डालने के बाद आपका जो न्यू केमिस्ट्री, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा इंडिया में आज एक बड़े कंपनी का प्रोडक्ट चल रहा है बहुत दिनों से, बहुत पहले जब आया था जो प्रोडक्ट इल्ली के लिए, अभी सबसे असरदार प्रोडक्ट माना जाता है, जब वो आया लॉन्च हुआ वो 1 महीने तक इल्ली कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अभी जो बात करेंगे तो 8-10 में आया। मीन्स वो क्या हुआ, वो मॉलिक्यूल का वो इल्ली में रेजिस्टेंस प्रतिरोध रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, तो उसके वजह से वो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने का काम हमारा डाइपेल करेगा। क्योंकि क्या होता है कि वो दवाई जो मार्केट में जो छोटा से ये है आ रहा है मार्केट में, वो अच्छा मीन्स बिग वे पे फेमस है, लेकिन अभी उसका नंबर ऑफ डेज कंट्रोल डेज कम हो गया है ना। तो वो दवाई की वो इल्ली का वो इल्ली की जो भी प्रजाति है उसको उसकी जो मोड एक्शन काम करने का तरीका पता हो गया, उसलिए वो उसमें उसको रेजिस्टेंस हो रहा है। जैसा अभी अभी का बात करें, जैसा ये जो अपना कोरोना आया तो कोरोना अभी म्यूटेंट 3 में आ गया, अलग स्ट्रेन आ गई, तो वो चेंज कर देता है। वो टाइप से ही उसका रोल हो रहा है कि जो दवा ये जो फेमस इंसेक्टिसाइड है उसको आदत हो गई है, वो उसको उनको पता हो गया कि इसमें क्या है, तो हमें कैसा ओवरकम करना है वो इल्ली को पता हो गया। लेकिन डाइपेल का क्या है कि डाइपेल अपना काम कैसा करेगा, सो डाइपेल की मोड ऑफ एक्शन है, मैंने वही बताया कि डाइपेल में ये बैसिलस थ्रोंजिसिस के बीज है,
इसमें जिंदा बैक्टीरिया नहीं है, इसके बीज है। जैसे अगर नेचर डिप में माइक्रोराजा के बीज है, वैसे इसमें बैसिलस रूंज है, वो बैक्टीरिया के बीज है। ये काम कैसा करता है, जब आप डाइपे स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद इसके बीज समझो पत्ते पे गिर गए, इल्ली अंडे से मीन्स जैसा कि अंडे से इल्ली बाहर आए, ये छोटे बच्चे या इल्ली कोई भी है, उसने वो स्पोर्स खा लिए, इसकी मोड ऑफ एक्शन है कॉन्टेक्ट स्टमक, मीन जितना कॉन्टेक्ट में आएगी, और खाने के बाद है ना वो पेट में जाती है, पेट में जाने के बाद यहाँ पे गट में, गट जाने के बाद वहां पे जर्मित अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद वो ब्लड जो है उसको ब्लॉक कर देता है, और उसके वजह से उसका पेट मीन्स वो ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ, और तीसरा क्या है उसका जो पेट है वो फट जाता है। तो इसकी मोड ऑफ एक्शन है। लेकिन आप देखना किसान भाई, ये देने के बाद है ना तुरंत मीन्स समझो डायपेल स्प्रे करने के बाद तुरंत वो फीडिंग मीन्स खाना छोड़ देती है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन, ये काम करने का तरीका अलग है एज कम्पेयर टू बाकी मार्केट के इंसेक्टिसाइड का, है ना। तो उसमें ये जो लार्वी है मीन्स ये कैटरपिलर की उसके बच्चे या उसका कैटरपिलर है, इल्ली है, ये दो तीन दिन में मीन्स एक से लेकर तीन दिन में खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये डायपेल स्प्रे करने के बाद आपको आपका नुकसान नहीं होगा प्राप्त, है ना। तो डायपेल क्यों कब डालना चाहिए, अभी देखिए कि डायपेल जो है, मैं बोलता हूँ कि डायपेल क्यों कब डालना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो डायपेल की मोड ऑफ एक्शन है, ये खाना चाहिए, इल्ली ने ये वो पत्तों पे पड़ा है वो खाना चाहिए। तो क्या होता है, देखो कि पत्ते कब खाते हैं, कि जैसा अंडे से बाहर आने वाली जो पहली दूसरी और तीसरी अवस्था की जो इल्ली होती है वो ज्यादा खाती है, तो वो स्टेज में मैं सपने डाला, जैसा कि अमावस्या हो गया, अमावस्या होने के बाद हमने समझो इसका स्प्रे किया, इसके बीच पड़े है तो इल्ली ने खाया, तो तुरंत वो करके मैं जितना ये इतना अपने को देना है कि अर्ली स्टेज में डालना है, कि जहां पे कुछ अटैक नहीं कुछ नहीं उसी टाइम में आप प्रिवेंटिव डालना पड़ेगा, कि अपने को पता है कि मेरा मिर्च का फसल या वेजिटेबल्स फ्लावरिंग स्टेज में या फ्रूट स्टेजिंग में फ्रूट में है, तभी इल्ली आएगी, तब आप उसको स्प्रे करना है। दूसरा समझो ऑलरेडी इल्ली है तो उसको क्या करें, तो उसको आपको टैंग मिक्स में मिक्स करना है, मीन डायपेल प्लस समझो आपका कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल रहा है इल्ली के लिए, उसके साथ डालना चाहिए, हम बोलते हैं हमारा म्योथ्रिन डालना चाहिए। तो म्योथ्रिन ये अभी अपनी और एक है कि डायपेल के रिगार्डिंग बहुत मिसकंसेप्ट है, हमने सुना होगा कि ये फिर ये बैक्टीरियल बेस है तो फिर इसके साथ केमिकल इंसेक्टिसाइड डालेगा वो मरेगा, नहीं मरता किसान भाई, ये ध्यान में रखना, ये इसके बीज है, बैक्टीरिया के बीज है, वो मरता नहीं है ना। इसके साथ डाला तो इसमें क्या करेगा समझे, इसके साथ हमने म्योथ्रिन डाल दिया तो म्योथ्रिन बड़ी वाली इल्ली कवर करेगी, और जो छोटी है जो फीडिंग ज्यादा करते वो वाला काम ये तमाम करेगा डायपेल। तीसरा समझो आपको, जैसा कि अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि इसका परफेक्ट जो एग्जाम्पल है मैं बताऊंगा कि जैसा कि गोभी है और फूल गोभी में एक प्रकार की इल्ली आती है, उसको बोलते हैं डीबीएम, वो इजीली किसी से कंट्रोल नहीं होती, लेकिन जब डायपेल डालेंगे तभी कंट्रोल होती है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो एक्चुअली जो रेजिस्टेंस ब्रेक करने का काम डायपेल ही करता, मीन्स वो इल्ली में जो बाकी दवाई का प्रतिरोध हुआ है, रेजिस्टेंस हुआ है, वो ब्रेक करने में डायपेल का बड़ा रोल। जैसा आप चिली में मिर्च में आप जो भी इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं तो उसमें जो भी है, तो ये काम कैसा मीन्स इसमें क्या करेगा, तो डायपेल क्या करता है कि रेजिस्टेंस प्रोसेस मीन्स उसको जो प्रतिरोध बन गया है वो प्रतिरोध रेजिस्टेंस ब्रेक करने में इसका काम होता है। वो कैसा है, क्योंकि इसका काम करने का तरीका अलग है, मीन्स ये पेट में जाता है फिर फट जाता है, तो ये खाना चाहिए। जो जनरल इंसेक्टिसाइड है मार्केट में, तो उसका रोल क्या है, वो उसका अलग अलग मोड है, किस नूरों में करता है, कोई स्टमक है, कोई स्टमक पॉइजन है, कोई कॉन्टेक्ट पॉइजन है, लेकिन इसका काम करने का अलग है। तो वो इल्ली कंफ्यूज होती है, कंफ्यूज होने के वजह से समझो अभी अपने समझो मार्केट में समझो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत फेमस वाली दवाई वो आज दिन में असर है, लेकिन हमने उसके साथ डायपेल डाला, तो उसका काम करने का तरीका अलग है, डायपेल का काम करने का अलग है, तो उसके लिए वो इल्ली कंफ्यूज होगी। आपको समझो आठ दिन कंट्रोल आ रहा है जो फेमस दवाई की वजह से, लेकिन डायपेल डालने के बाद आपको पांच छह दिन और बढ़ेगा, आपका जो नुकसान वाला वो रहेगा। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक मीन्स आप में टैंक मिक्स कर, तो ये क्या करते हैं कि कोई भी दवा असर कोई भी दवाई
दस पंद्रह दिन में खत्म होता है कोई भी दवाई, लेकिन डायपर का बीज है, वो बीज वहां पे पत्ते पे इधर उधर पड़े रहेंगे तो भी जैसा ही अंडे से बाहर इल्लिया है खाना चालू किया वो भी कंट्रोल किया। तो जो टैंग मिक्स में आप रेगुलर जैसे कि डीडीपी यूज करते हैं या बाकी कोई भी यूज करते हैं उसकी जगह आप टैंग मिक्स में हमारा डायपर यूज करें कोई भी इल्ली की इंसेक्ट इससे, तो इसके वजह से क्या होगा कि आपको एक तो लंबा असर आ जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा और जो प्रतिरोध बना है जो रेजिस्टेंस बना है वो ब्रेक होगा और वो दवाई का रिजल्ट आपको लंबा आ जाए। ये टाइप का मोडा एक्शन है, कीड़े की प्रतिरोधी होने से बचाए हर दवा में डायपेल मिला। तो हमारे जैसे छत्तीसगढ़ के किसान है, जो विहानर के जो मालिक है विमल भाई, बहुत टेक्निकल लोग वहां पे है पर्सन है वो, तो वो हमारे छत्तीसगढ़ के फार्मर हर स्प्रे में इल्ली का हर स्प्रे में डायपेल मिलाते हैं। तो हर स्प्रे में मिलाने के बाद उनको लंबा असर भी आता है उसके लिए और आपको जो नुकसान हो रहा है नहीं होता। तो वेजिटेबल्स या इसमें वेजिटेबल्स या मिर्च में ये बायोलॉजिकल इंसेक्ट मीन्स डायपेल क्यों यूज करना चाहिए, जितना देखो कि आप जितना बायोलॉजिकल इंसेक्ट मीन्स उसमें यूज करें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मीन्स नाम के नहीं रियल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसके वजह से उसका लाइफ बढ़ जाता है, 15 से लेकर 1 मंथ तक उसका लाइफ बढ़ता है जो प्रोड्यूस आ रहा है वो क्वालिटी आ रहा है उसके लिए, है ना। तो मैंने वही बताया कि डायपेल का क्या है कि 50 इतना इल्ली के प्रकार पे प्रजाति पे काम करता है, अच्छा क्वालिटी का ये है। रोटेशन में मीन्स आपको क्या है कि एक समझो कोई अच्छा केमिकल यूज किया तो उसके साथ हमारा मियोथ्रिन डायपेल कर सकते हैं, है ना। और ये टैंग मिस उसका मीन्स अपना जैसा कि देखो कि कोई अपना ये मित्र कीड़े जैसा हनी बीज जैसा कुकुरबिटी से है या हनी बीज का रोल मेजर होता है, हनी बीज बाकी इंसेक्टिस से मरते लेकिन डायपेल ऐसा है कोई मित्र कीड़ कौन सा ही मित्र कीड़ इससे मरता नहीं, इसलिए वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशन है ना। जहां पे रेजिस्टेंस डेवलप हुआ जहां पे इल्ली इजिली कवर नहीं होती, इश्यू क्या आ रहा है कि ये जो नए इंसेक्टिसाइड यूज करने के वजह से मेजर पेस्ट है वो कंट्रोल मीन्स खत्म हो गया लेकिन अभी नया इमर्जिंग पेस्ट आ रहा है। तो उसमें इसमें इसमें इसका वही काम है कि जो भी आप इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं इसके साथ आप प्रिवेंटिव डालना है तो सिंगल डालिए नहीं तो आप टैंग मिक्स डालिए या हमारा मियोथ्रिन हम आगे देखेंगे क्रॉप ऑयल हम उसका डोज सेट करेंगे। तो ये क्यों डालना है हमने वही क्लियर किया कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने में काम करता है, इसके बीज है आप इतने बीज रहेंगे जब तक बीज रहेंगे वो पानी से या बाकी इंसेक्ट से या फंजीसाइड से ये मिक्स मिस ये मरते नहीं। तो कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसा आप डीडीपी मिक्सिंग होता है टैंग मिक्स में वो टाइप से आप ये टैंग मिक्स करिए तो आपको लंबा असर आएगा और जो नंबर ऑफ आपके स्प्रे समझो कोई भी फसल में 5-6 में समझो मिर्च में 5-6 स्प्रे जा रहे तो उसकी जगह 2-3 में भी होगा आपके नंबर ऑफ स्प्रे कम होगी, फसल का लाइफ बढ़ेगा, क्वालिटी फसल मिलेगा और सबसे मेन जो अपने सब्जी उगाए ये डायपेल जहां पे यूज किया तो आप तुरंत मीन्स आप घर का घर खा सकते हैं, ये इसका रोल है। ये देखिए डायपेल जैसा चिली में तो चिली में हेलिकोर्पा है और स्पोडोप्टेरा दो आता है ना, तो इसके लिए आप चिली में आप ये जो है डायपेल 300 ml उसके साथ मियोथ्रिन 250 ml डालिए तो मियोथ्रिन क्या सकिंग पेस्ट प्लस जो बड़ी वाली इल्ली तुरंत करेगा जो छोटी वाली को डायपेल असर करेगा तो डायपेल प्लस मियोथ्रिन कर सकते हैं, ऑल सकिंग पेस्ट इंक्लूडिंग माइट भी मियोथ्रिन कवर करेगा और बाकी के जो इल्ली है डायपेल कवर करेगा। उसके बाद जैसा कि इवन ज्यादा ये जैसा क्वार्टर में क्या है कि अभी बर्निंग इशू है पिंक बोलम तो पिंक बोलम में बहुत सारी दवाएं महंगी यूज कर रही है वो तो चल रहा है उसके लिए। उसके बाद सुमिटोमो का एक रजिस्टर मीन्स लेबर क्लेम वाला प्रोडक्ट डैनिटॉल आप यूज करते हैं तो डैनिटॉल के साथ आप ये यूज कर सकते हैं डायपेल, इस पे भी लेबर क्लेम है आप देखेंगे इस पे पढ़ेंगे इसमें लेबर क्लेम है ये इसका पिंक बोलम का तो डायपेल प्लस डैनिटॉल क्या तो आपको लंबा असर आएगा सबसे मेन ये। और अपने इंडिया की जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर कॉलेज है यूनिवर्सिटीज ये बीटी को रिकमेंडेशन करते हैं, जितने भी एनजीओ है ये सभी रिकमेंडेशन करते हैं कि डायपेल आप पिंक बोलोम कॉम्प्लेक्स में यूज करो। जो भी आप इंसेक्टिसाइड डाल रहे जैसे कि हमारा डैनिटॉल डाल रहे तो उसके साथ टैंग मिक्स करना, जो भी स्प्रे जा रहा है जो भी आपका स्प्रे जा रहा है पिंक बोलों में या सब्जियों में या जिसमें भी तो उसके साथ डायपेल डाल दीजिए तो आपके नंबर ऑफ स्प्रे कंट्रोल होंगे और आपको अच्छा कंट्रोल मिलेगा। जैसा 45 डेज में कॉटन में पिंक बोलों में आप यूज करते हैं तो उसके साथ आप यूज करना चाहिए। टोमेटो में जैसा फ्रूट बोरर आता है जो भी आप जैसा कि मैंने वही बोला कि डायपेल प्लस मियोथ्रिन यूज कर सकते हैं। अभी 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 ये टूटा प्लूटा एक जैसा कि लीफ माइनस जैसा एक प्रजाति आई है टमाटो में है ना, तो उसके लिए आप सैंडवेक्स प्लस हमारा डायपेल यूज कर सकते हैं।
या कोई कैटरपिलर है, लिप माइनर है, सब उसके लिए डायपेल प्लस हमारा सैंडवेक्स जो पाउडर है उसको मिक्स कर किया तो सकिंग पेस्ट प्लस आपका लिप माइनर प्लस कैटरपिलर का यूज होगा, तो आपका जो हाई मॉलिक्यूल है जो वो आपको यूज करने नहीं पड़ेंगे, तो मियोथ्रिन प्लस डायपेल यूज कर सकते हैं या मियोथ्रिन प्लस सैंडवेक्स यूज कर सकते हैं। फिर मक्के में लास्ट ईयर जैसा फॉल आर्मियम आया है तो फॉल आर्मियम के लिए आप डायपेल प्लस सुमिप्लो यूज कर सकते हैं, डायपेल प्लस आप इमेमेक्टिन यूज कर सकते हैं, आपको लंबा असर आएगा। ये सोयाबीन में क्या है, सेमिलुपर है और हेलिकोर पर आ जाता है, तो इसमें क्या है कि सोयाबीन का लोग हल्के फुल्के जैसा प्रोपेन हो बाकी इसमें अच्छे मारते हैं इमेमेक्टिन, लेकिन इमेमेक्टिन पहले जैसा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसको उसके साथ आप तो डायपेल यूज करिए, नहीं करना है तो हमारा जैसा डैनिटॉल सेमिलुपर के लिए जा रहा है उसके साथ आप डैनिटॉल प्लस डायपेल, डैनिटॉल 300 ml, डैनिटॉल 400 ml सॉरी और डायपेल 300 ml, ये भी डाल दिया तो आपको लंबा असर आएगा, आपको एडिशनल खर्चा करने का जरूरत नहीं रहेगा। फिर कैबेज और फूल गोभी और पत्ता गोभी का ये जो कैटरपिलर है विदाउट डायपेल ये कंट्रोल ही नहीं होगा, ये जो अभी अभी जैसे कि ह्यूमिडिटी बढ़ती है, अभी बारिश का सीजन है, ये जो कैटरपिलर कितने भी आप कितना ही डोज लो उसमें कितने भी नए इंसेक्टिसाइड डाल दो वो कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इसमें डायपेल डालना ही पड़ता है। डायपेल क्यों डालना, टैंक मीट तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना, मैंने वही बताया कि रेजिस्टेंस जो डेवलप हुआ है वो ब्रेक करने में अपना डायपेल का मेजर रोल है, तो ये डायपेल आप दोनों तरफ से मीन्स जितने भी सब्जियां है जैसा कि आपको एक्सपोर्ट करते हैं खुद को खाना है तो डायपेल प्लस सुमिप्लो आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, इसमें ऑल प्रकार की जो इल्डिया कवर हो जाएगी उसके लिए, जितने भी प्रकार की इल्डिया जैसे आप ग्राउंडनट में जो महंगे वाले दवाई मारते हैं उसके साथ आप डायपेल मिक्स करिए, कॉटन पिंक बोलम के करिए उसके साथ डायपेल में, डायपेल आप टैंग मिक्स जैसा DDP के टाइप से आप टैंग मिक्स यूज करिए, इसका फायदा क्या होगा कि इसको आपको लंबा असर आ जाएगा और आपका खर्चा भी बचेगा, और जैसे कि सब्जियों में ये डायपेल मिक्स करने की वजह से उसकी क्वालिटी पे असर आ जाता है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तो यही है ये डायपेल का काम है, ये बायो इंसेक्टिसाइड है, वर्ल्ड का नंबर वन बाय इंसेक्टिसाइड है, ये आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, अभी आपका ये तो हो गया कैटरपिलर का कंट्रोल, तो हमें अभी आगे अभी क्या करना है कि जैसे कि अपने को उत्पाद बढ़ाना है तो उत्पाद कैसा बढ़ाएंगे, तो उत्पाद बढ़ाने के लिए हमारा एक प्रोडक्ट आता है जिब्रेलिक एसिड, तो इसमें प्रोजीपी इसमें जिब्रेलिक एसिड, तो जिब्रेलिक एसिड बोले तो सब डर जाते हैं यार ये क्या है, वो डरना भी चाहिए क्योंकि उसका अलग अलग कारण है, पहले आप समझ लीजिए टेक्नोलॉजी क्या है। जिब्रेलिक एसिड ये कोई केमिकल नहीं, जिब्रेला फिजिकसी एक फंगस है, उसके वजह से उसका नाम पड़ा जिब्रेलिक, और एसिडिक पीएच मींस 7 pH के अंदर काम करता है, इसके लिए इसका नाम पड़ा जिब्रेलिक एसिड, ये कोई केमिकल नहीं है ना, ये फंगस है, तो ये जो आपको डर बैठा है अभी, लेकिन ऐसा नहीं वो क्यों डर बढ़ता है तो मैं उसको आपको डिस्कस करूंगा क्यों कारण है। तो आप देखेंगे कि जिब्रेलिक एसिड दो टाइप का बनता है, एक है बायोसिंथेसिस, जो प्रोजिप इजी है हमारा, ये 100% बायोसिंथेसिस फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस मीन्स जैसा आप घर में कर्ड बनाते हैं वो टाइप से बनता है, उसको बहुत 2-3 मीन्स उसका अलग अलग पीरियड होता है, वो टाइप से वो बायोसिंथेसिस स्टेप बाय स्टेप 100% बायो मीन्स फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाएगा, और ये जो चाइना वाला जो बनाते हैं ये चाइना वाला केमिकल फैक्ट्री से बनाते, केमिकल लेबोरेटरी बनाते, आज ये किया तो कल उसका कल्चर रेडी करके वो मार्केट में देते, तो चाइनीज ये मार दिया तो आज मार दिया तो कल जो चिली की ग्रोथ हो जाएगी उसके वजह से डिसीज पेस्ट और वायरस का अटैक आएगा, लेकिन प्रोजिप में ये कोई समस्या है नहीं, क्योंकि ये प्रोजिप आप बोलेंगे यार ये भी चाइना और इसमें क्या फर्क है, ये बायो फर्मेंटेशन हो या केमिकल प्रोसेस है तो हमें क्या फर्क है, ये फर्क ऐसा है कि प्रोजिप कभी भी आज स्प्रे करेगा तो स्टेप बाय स्टेप प्लांट के ग्रोथ के हिसाब से वो काम करता है, लेकिन चाइनीज वाला आज डाला तो कल ग्रोथ करता है, तो उसके वजह से बहुत साइड इफेक्ट होता है, प्रोजिप में ऐसी कोई बात नहीं है, ये 100% ऑर्गेनिक बेस्ड है, वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है जस्ट लाइक अ प्लांट सिस्टम के हिसाब से, है ना। तो हमने जो लाया है कि प्रोजिप ये ग्रैंडर फॉर्म में, वर्ल्ड का पहले क्या था प्रोजिप था, तो प्रोजिप क्या है आपको अल्कोहल में डालना पड़ता था तो बहुत सारी दिक्कत थी, वो पानी में घुलता नहीं है, लेकिन अभी हमने जो एक नया फॉर्मुलेशन लॉन्च किया है उसका वो डायरेक्ट पानी में घुलता, ये पानी में घुलता है, तो उसको क्या है सॉल्वेंट कोटिंग किया है, तो ये ग्रैनुलर फॉर्म में है, इजिली पानी में घुलेगा, तो अभी प्रोजिप का यूज क्या है, तो प्रोजिप जो है वो जो स्टेज में डाले वो स्टेज का प्रोजिप काम करता है,
लेकिन हम जैसा सब्जियां या बाकी क्रॉप में हम प्रोजिप को फुल अवस्था होने के बाद ही रिकमेंडेशन करते हैं, पर्टिकुलरली ये बारिश वाले सीजन में। मीन्स हम प्रोजिप को रिकमेंडेशन करते हैं फूल और फल आने के बाद, ये बारिश वाले सीजन में। ठंड में आप कोई भी अवस्था में उसको यूज करते हैं, उसका कारण मैं बताता हूँ। प्रोजिप क्या काम करता है, ये प्रोजिप स्प्रे करने के बाद पत्ता चौड़ा होता है, समझो फूल है तो फूल का ड्रॉपिंग कम होता है, फूल का फल में कन्वर्जन हो जाता है, समझो फल है तो फल की लेंथ बढ़ा जाता है, समझो हार्वेस्टिंग, समझो आपका 15 दिन हार्वेस्टिंग को लगता है, 15 दिन के पहले उसमें 3-4 दिन पहले आ जाएगा, एक सरी का फल का साइज करता है। तो ये मोड ऑफ अलग अलग काम है, ये डालने के बाद एकदम ग्रीनरी आएगा। और सबसे सस्ता पिज्जा है, ये सबसे सस्ता पिज्जा मीन्स ये प्रोजिप इजी है, वो इसको यूज करना है। ये चीज ये यूज करते टाइम हमें कुछ सावधानी लेना है, जैसे कि अभी देखो जैसे कि हम चिली में यूज करेंगे तो क्या सावधानी लेना है, तो ये देखो कि ये आपका उत्पाद बढ़ेगा लगभग 15-20% से आपका उत्पाद बढ़ाएगा, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। ये आप देखो कि आपकी भूख बढ़ी है ना, तो इसको इसको जैसा आपका उत्पाद बढ़ाना है ना, तो उसको आपको एडिशनल खाद या एडिशनल न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो हम जैसा कि रिकमेंड एडिशनल, नहीं तो वो भूखा पेट रहेंगे तो वो साइड इफेक्ट होगा। तो हम वही करते हैं कि जो चीज अच्छी भी है और दिक्कत वाली भी, लेकिन जब आप प्रोजिप उसको सिंगल नहीं देना, प्रोजिप हम रिकमेंडेशन करते हैं जो भी न्यूट्रिशन है, जैसा कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है सुमिटोमो ने लॉन्च किया, होसी अल्ट्रा के साथ आप दीजिए। जैसा चिली का बात करेंगे तो चिली का हम रिकमेंडेशन करते हैं, ये फसल में दो टाइप से हम प्रोजिप रिकमेंडेशन करते हैं। फर्स्ट स्टेज है आप स्प्रे में कर सकते हैं, दूसरा समझा आपकी ड्रिप का है, ड्रिप का फैसिलिटी आप ड्रिप से भी दे सकते हैं। तो चिली का बात करें तो आपको फर्स्ट पिकिंग होने के बाद 200 लीटर पानी में प्रोजिप 5 ग्राम उसके साथ 250 ml होसी लेके स्प्रे करना है। ये देखो आपको और एक कंफ्यूजन, बहुत ट्रेड भी कंफ्यूज करता है कि ये प्रोजिप बीज है तो इसके साथ आप इंसेक्टिसाइड और बाकी वाटर सोलेबल या डाल नहीं सकते। ये हमारा प्रोजिप बीज ऑर्गेनिक बेस है और इसमें कोटिंग सॉल्वेंट का किया है। पहले जो पुराना वाला था वो सॉल्वेंट का रोल अलग अलग था, ये रेडी टू यूज है ना, ये बहुत प्योर फॉर्म का सॉल्वेंट डाला है। इसके वजह से आप कोई भी वाटर सोलेबल है, कोई भी इंसेक्टिसाइड है, कोई भी आपका अच्छा हमारा होसी जैसा ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। इसके फंजीसाइड के साथ आप मत करिए क्योंकि इसका पीएच अलग अलग होता है, तो ये आप इजीली यूज कर सकते हैं, है ना। तो चिली में यूज करना है जब आपको फुल अवस्था में, पहले फर्स्ट पिकिंग फर्स्ट तुड़ाई होने के बाद उसको आप डाल सकते हैं। आप एवरी 20 दिन में रिपीट कर सकते हैं, तो इसका चिली में डालते हैं तो फायदा क्या होगा, ये डालने के बाद क्या है कि चिली की लंबाई बढ़ाएगी। समझो आपको 15 दिन में तुड़ाव आता है तो क्या आगे पीछे होता है, ये आने के बाद एक सरी का होगा, 15 दिन की जगह आपको दिन 3-4 दिन पहले आ जाएगा, तो मैं गारंटेड बोलता हूँ ये देने के बाद हरापन आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ फूल बढ़ेंगे, फूल का फल में कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा, और सबसे मेन आपका उत्पाद 15-20% से बढ़ेगा। समझो ग्रीन चिली में उसको इलिमिनेशन आएगा, उसका वेट बढ़ेगा। जो समझो रेड चिली है तो रेड चिली में कलर एकदम डार्क होगा, उसका जो स्किन है एकदम टाइट होगा, वेट बढ़ेगा, तो ये मोड ऑफ एक्शन रहेगा चिली में। आप सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में डालने के बाद, सोयाबीन में इसका जब पॉड फॉर्मेशन मीन्स जब पॉड बनने की जो अवस्था है ना, पॉड फॉर्मेशन स्टेज में देना है, उसपे उसका डोज है 5 ग्राम प्रति एकड़, 200 लीटर इसमें पानी में 5 ग्राम प्रोजी पीजी और इसके साथ 250 ml होसी डालना है ना। जैसा कि बात करेंगे आपका इसमें मेजर कॉटन है, तो कॉटन का जब बोल फॉर्मेशन स्टेज है तो ये प्रोजी पीजी कोई भी कौन से स्टेज में डाल सकता है, ये कि अपने को केयर लेना है। ये फूल आने के बाद, जब बारिश वाले सीजन में फूल आने के बाद देना है, तो उसके साथ आप न्यूट्रिशन यूज करें या और उसके साथ आपको थोड़ा बहुत पर्याप्त नमी जमीन में होना चाहिए, तो इसके रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएंगे, आपके 15-20% उत्पाद बढ़ेगा। जैसा कि आप कॉटन की बात करें, बोल फॉर्मेशन स्टेज जब आएगा उसके साथ आप यूज कर सकते हैं बोल फॉर्मेशन स्टेज में, उसका वजह से उसका साइज बढ़ेगा कम से कम आप, और उसके बाद आप 15-20 दिन के बीच में रिपीट कर सकते हैं। कॉटन का बात करें कि समझो समर का कॉटन है, कॉटन ग्रोथ नहीं ले रहा है तो अर्ली स्टेज में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। क्वार्टर में इसका डोज से फूल आने के बाद 12.5 ग्राम आज यूज कर सकते हैं। ओनली जो चिली में जो है मिर्च थोड़े सेंसिटिव होती है, इसके लिए उसका डोज चिली में 5 ग्राम ही देते हैं 200 लीटर पानी में, तो उसके बाद आप 5 ग्राम से लेके
आप 25-12.5 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। और चिली में दो टाइप से दे सकते हैं, स्प्रे में दे सकते हैं और ड्रिप से दे सकते हैं। स्प्रे में क्या रिजल्ट तुरंत दिखता है, लेकिन आपको लंबा असर चाहिए, समझो आपके पास ड्रिप की फैसिलिटी है तो आपको ड्रिप 12.5 ग्राम प्रोजी पीजी और उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट जो ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट बोल रहे हो उसके साथ दे दिया तो आपको लंबा दिखेगा, है ना। उसमें ये टोटल रूट से लेके टोटल प्लांट एक्टिवेट होता है और आपका उत्पाद में अच्छा खासा फर्क आ जाता है। सोयाबीन की बात करें मैंने बताया, जैसा कि अभी कॉटन का बताया है ना, जैसा अभी ग्राउंडनट है, मूंगफली, मूंगफली में दो टाइप की वराइटी है, एक अर्ली और लेट वराइटी है। लेकिन एक ही ध्यान रखना, कोई भी वराइटी हो जब पॉड फॉर्मेशन होता है, जब पॉड फॉर्मेशन होता है उसी टाइम में 12.5 ग्राम प्रोजी पीजी आप इसको यूज कर सकते हैं। ग्राउंडनट में उसका यूज दो बार करना है, पॉड फॉर्मेशन स्टेज में और जब हार्वेस्टिंग के पहले 20-25 दिन में। पॉड फॉर्मेशन स्टेज में क्या है, जब पॉड बनता है तो पॉड अच्छे खासे बनेंगे, एक सरीका शायद होगा, दाना एक सरीका भरेगा उसके लिए। फिर 25 दिन हार्वेस्टिंग के पहले 25 दिन जो सेकंड स्प्रे मारेंगे तो उसको वेट बढ़ेंगे, ऑयल कंटेंट बढ़ेगा, ऑयल कंटेंट बढ़ेगा, ऑटोमेटिक वेट बढ़ेगा। तो इसमें ग्राउंडनट में, कॉटन में मैंने बताया कि बॉल फॉर्मेशन के बाद 12.5 ग्राम 200 लीटर में उसके साथ ऑर्गेनिक टॉनिक भूसी डालना है। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जितना डालेंगे तो उसकी और कार्यक्षमता एफिकेसी बढ़ती है, क्योंकि जनरली मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ 15-20% उत्पाद बढ़ेगा। सबसे सस्ता और असरदार टॉनिक है, ओनली यूज करना है। और ये सबसे मेन, ये 100% एकमेव कंपनी है, यूएस से मैन्युफैक्चर है और एकमेव जिब्रेलिन के वो ऑर्गेनिक है। मार्केट में जो चाइनीज बेस आते हैं उसका मैंने बताया वो साइड इफेक्ट होता है और इतना लगता है थोड़ा, तो हम ये क्यों टेंशन ले, छोटे पैसे के लिए, छोटा फर्क के लिए क्यों रिस्क, है ना। तो ये फर्क है। वैसा कि जाएंगे मक्के में आप यूज कर सकते हैं, जैसा आप धान का बात करेंगे, धान में आपको पैनिकल निकलने के बाद ही यूज करना है, उसके पहले नहीं यूज करना है। धान में आप ध्यान रखो, धान के कोई फार्मर है तो पैनिकल्स, है ना, पैनिकल निकलने के बाद ही उसको स्प्रे करना है, उसका डोज है 12.5 ग्राम पर एकड़। पहले यूज किया तो ग्रोथ स्टेज में नहीं, पैनिकल। उसके लिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी फसल में फूल और फल आने के बाद पैनिकल से उसका फूल अवस्था होगा तो उसी टाइम में अपने को पैड़ी में इसको यूज करना। तो बाकी भी फसल में है, आप गोभी में हर अवस्था में, ब्रिंजल भाटे में हर अवस्था में आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि बात करें हॉर्टिकल्चर में, पोमोग्रेनेट में, तो पोमोग्रेनेट में फ्रूट सेटिंग के बाद आप उसमें जमीन में दे सकते हैं 25 ग्राम, उसको क्या नंबर ऑफ फ्रूट ज्यादा होते हैं तो हम स्प्रे से ज्यादा हॉर्टिकल्चर में जमीन में रिकमेंडेशन करते हैं। क्या होता है, स्प्रे एक सरीका बैठता नहीं तो हम जमीन में दिया तो एक सरीका अपटेक होता है। तो 25 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक हमने ट्रायल लिया है, पोमो में बहुत अच्छे रिजल्ट है, उसका उत्पाद अच्छे खासा बढ़ता है ना। और हमारे जैसा कि हमारे ये जो है हमारे जो स्टाफ है ये सब टेक्निकल टीम है, मेरे स्पेशलिटी की जो टीम है टोटल टेक्निकल टीम है। तो ये तीन जो बायोरेशनल जो प्रोडक्ट बताए पहले की, जैसा कि मैंने बताया नेचर डिप है, नेचर डिप रूट जोन में डालना है, उसका 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम है ना, 8-10 दिन में आप रिपीट भी कर सकते हैं। उसके साथ आप कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, फंजीसाइड डायरेक्ट नहीं डालना है। दूसरा मैंने बताया बायो इंसेक्टिसाइड डायपेल, एक तो डायपेल नियोथ्रिन के साथ डाल सकते हैं, टैंग मिक्स डाल सकते हैं, तो ये कैटरपिलर में इल्ली की दवा है। तीसरा प्रोडक्ट मैंने बताया प्रोजिप, ये ऑर्गेनिक है, आपका उत्पाद 20% से मिनिमम बढ़ेगा। इसका वो स्टेज वाइज हमने बोला है कि कब कब डालना है। प्रोजिप स्प्रे करते टाइम उसमें एक तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट डालना है या वाटर सोल्युबल डाल सकते हैं, जितना डालेंगे उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, आपका उत्पाद और 5-10% से बढ़ेगा। तो ये मोटा मोटा ये हमारा बायोरेशनल प्रोडक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे जैसा चिली में तो हमारा डेंटाटसु, ये जमीन में देते डेंटाटसु नीचे जब जोड़ी बहुत कमाल कर रही है, सब जगह निमर का बात करें तो बिग वे पे सब जगह ये यूज कर रहे हैं। डेंटाटसु 100 ग्राम, नेचर डिप 100 ग्राम, 8-10 दिन के बाद ये सॉइल इंसेक्ट टोटल कवर होगा, ये रूट एक्टिविटी बढ़ाएगा नेचर डिप और टोटल ऊपर का सकिंग पेस्ट से लेके आप सब सब्जियों में ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए। दो जहां पे आप 5-5 हजार की जो औषधि यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पे 5 हजार की औषधा यूज कर रहे हैं तो उसको आप कर सकते हैं, है ना। फिर ये माइटीसाइड है एक प्रोडक्ट हमारा, ये जो है बोर्निओ, तो ये आईजीआर माइटीसाइड है, टोटल अवस्था में काम करेगा, ये वर्ल्ड का बेस्ट माइटीसाइड है। फिर लियानो करके है, व्हाइट फ्लाई के लिए लियानो अच्छा प्रोडक्ट है। फिर आप फंगिसाइड में एक कीटोसी करके लाया है चिली के लिए, है ना।
तो दूसरा एक वायरस स्टेज में रोकथाम के लिए डेंजा पावर विटामिन लाया है, तो ये बाकी जिन्हें प्रोडक्ट है आपने यूज किए हैं, बोर्नियो माइट का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कम से कम 30-40 दिन कंट्रोल करता है, ऑल टाइप ऑफ माइट चिली से लेके पैनिकल माइट पोमोग्रेन का माइट बिग वे पे कंट्रोल कर रहा है, और अपना थ्रिप्स के लिए एक इमिडाफिप्रिल प्रोडक्ट है योरो, वो योरो का सोलिबिलिटी अच्छी है, थ्रिप्स के लिए अच्छा प्रोडक्ट है ना। तो ये जो डिस्कशन किया तो इतना ही है, तो इसके बाद किसी को कोई क्वेश्चंस है, जैसे कि मेरे साथ है जुड़े सागर साहब है, बायोरेशनल के प्रोडक्ट मैनेजर है, इवन मेरे साथ जुड़े है सुनील परमार जी, तो उनको किसी को कुछ शंका है तो उनसे पूछ सकते हैं। सुनील जी मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसा कि लोग चिली में, जैसा आप काम कर रहे हैं बरवानी हेडक्वार्टर में, तो वहां पे क्या है कि पहले प्रोजिप लोग यूज कर नहीं रहते, वो केमिकल जिब्रेलिक के वजह से प्रोजिपी जी, लेकिन अभी अभी दो साल से मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या प्रिडिक्शन है, क्या उनका फीडबैक है प्रोजिप यूज करने के वजह से। सुनील जी जी सर, सर अब दो साल पहले जो वायरस की जो समस्या थी उसमें प्रोजिप को यूज करने के लिए बहुत फार्मर डरते थे, लेकिन अभी दो साल से सर प्रोजिप का यूज अच्छा से हो रहा है, और अपन ने दो साल में अपन ने भी किसानों को बताया कि ये वायरस आ रहा है वो जिब्रेलिक एसिड की वजह से, प्रोजिप की वजह से नहीं आ रहा है। तो अभी सर 12.5 ग्राम जी केमिकल जिब्रेल उस जिब्रेलिक एसिड से आ रहा है, और हमारे प्रोजिप जो है वो प्योर ऑर्गेनिक है, उससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सर अभी किसान जो है सर उसके ऊपर जा रहे हैं, वो प्रोजिप का अच्छा इस्तेमाल चालू हो रहा है। अभी जो स्टेज है मिर्च की, तो अभी 25 दिन तक की मिर्च हो गई है जीरो से लेके, तो अभी उसमें प्रोजीबीजी 12.5 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से बहुत सारे किसान जो हैं वो या तो पानी ड्रिंक्स कर रहे हैं या फिर ड्रिप से उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आ रहे हैं। जैसे कि धारणाएं थी कि प्रोजीप से कुछ दिक्कत आती है वायरस, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोजीबीजी जो प्योर ऑर्गेनिक है, उमरी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, और अब तो प्रोजीबीजी आ गया है, घुलनशीलता में भी बहुत अच्छा है, पानी में डालते ही ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि उसमें कुछ आपने मिलाया है, इतना घुलनशील है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके, बहुत से किसान डाल रहे हैं, और आगे भी बहुत सारे किसान जो है सर उसकी इंक्वायरी आ रही है। हम लोग भी किसानों को बहुत से बता रहे हैं, आपके कुक्सी मांडवी और अंजड़ तरफ के जो किसान है वो यूज करना चालू कर दिए, खरगोन तरफ के किसान भी जो है अच्छे से प्रोजीबीजी को इस्तेमाल करना चालू कर दिए सर। जी सर, ओके, धन्यवाद। हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट जो मैंने बताया कि नेचर डीप, तो हमारे साथ जुड़े हैं सनावत हेडक्वार्टर सॉरी खड़गोन हेडक्वार्टर के सचिन चौहान जी, तो इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है हॉर्टिकल्चर में, बनाना में बहुत काम किया है, चिली में काम कर रहे हैं। तो सचिन है लाइन पे, सचिन जी, सचिन चौहान है आप लाइन में? चलो सचिन चौहान नहीं है। सुनील जी आपको मैं एक इंफॉर्मेशन पूछता हूँ कि जैसे कि नेचर डीप मार्केट में आया है, तो आज 100% जो नेचर डीप है, आज 100% नेचर डीप लोग बहुत सारे यूज कर रहे हैं, जितना भी माइक्रोराइजा है, तो माइक्रोराइजा का हमने ही लोगों को सिखाया कि माइक्रोराइजा का यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनी लेके आ रही है, लेकिन इसमें क्या यूज हो रहा है, मीन्स आपको इसमें मीन्स अपना नेचर डीप के रिजल्ट में और बाकी जो लोकल माइक्रोराइजा के रिजल्ट में क्या रियल फील्ड में रिजल्ट डिफरेंट दिख रहा है, उसकी जानकारी चाहिए उसके लिए। जी सर, माइक्रोराजा जब नेचर डीप अपने लॉन्च किया था तब निमार मार्केट में माइक्रोराजा कुछ भी नहीं मतलब दिखता था, तो 5-10% के आसपास था, लेकिन जब हमने काम किया प्रोग्राम में हमने वायरस हमने जब इसके ऊपर काम चालू किया तो बहुत से किसानों को दूसरी कंपनियों ने जो माइक्रोराजा कुछ दे रहे थे, तो उसमें माइक्रोराजा के अलावा ह्यूमिक एसिड और ये भी मिला के दे रहे थे, जबकि हमारा जो माइक्रोराजा है प्योर है। तो जब हमने किसानों को बताया तो किसानों ने जब इसको इस्तेमाल किया तो बहुत से किसानों को हमने क्योंकि सर ड्रिप से अगर डालते हैं तो पूरा वो छोड़ नहीं पाते, तो हमने बहुत सी किसानों को एक नली चोक करके बंद करने के लिए बोल रहा था, तो बहुत से किसानों ने एक नली को बंद किया जिससे पूरे खेत में नेचर डीप गया लेकिन एक नली में जो है नहीं गया। सर 7-8-10 दिन में उस जो नली में है और जहाँ पे डला है वहां पे बहुत ट्रिमेंडस फर्क आया था। उसके बाद में हमने उसका वीडियो बनाया, किसानों को भेजा, उसके बाद में नेचर डीप सर पूरे निमार में जो चालू हो गया, और आज जो है सर मिर्च के किसानों का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट अगर कोई है तो नेचर डीप है। जैसे ही मिर्च लगाते हैं सबसे पहले किसान नेचर डीप लेते हैं। दूसरे नेचर डीप और दूसरे माइक्रोराजा और नेचर डीप में सर
फर्क बहुत है। जैसे हमारा नेचर डिप जो है प्योर माइकोराजा है, दूसरे जो माइकोराजा है उनमें सर ह्यूमिक एसिड, किसी में एमिनो एसिड ये मिला हुआ है। दूसरा सर, बहुत सारे अभी जो एप्लीकेशन जो हो रहे हैं बेसल डोज में, तो फसल नहीं होती उसमें भी वो डलवा रहे हैं। अगर माइकोराजा डलवा रहे हैं और अगर उसमें फसल नहीं है, जड़ नहीं है, तो वो माइकोराजा कुछ काम का नहीं होता। तो मेरा किसानों से भी ये निवेदन है कि आप बेसल डोज में अगर कुछ माइकोराजा डाल रहे हैं, उससे अच्छा आप जो है नेचर डिप को जमीन लगाने के बाद में 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। बहुत से किसान भाई डाल रहे हैं, लेकिन मैं दूसरे जो बच्चे किसान हूँ उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी नेचर डिप का यूज कीजिए। हमारे पास बहुत सारे किसानों के नंबर हैं जिनको हम ये वीडियो भेज रहे हैं, आप लोगों का भी नंबर हमारे पास में अभी आ जाएगा जो देख रहे हैं, उनको भी हम ये वीडियो हमारे जो है नेचर डिप के वो आपको भेजेंगे। तो पूरे सर जो अपना निमाड़ में ऑलमोस्ट अगर देखे सर, तो जो माइक्रोराजा दिखता है उसमें 80 से 90% माइक्रोराजा नेचर डिप ही दिखता है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ओके, जैसा जैसा कि आपको बताया कि जब आप वैसे बता रहे हैं कि जैसा कि कुछ फार्मर 80% आपका जा रहा है, लेकिन कुछ कंपनी जो बेसल डोज में माइक्रोराइजा बेस करके फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो मैं एक एक सब्जेक्ट निकला है तो इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो माइक्रोराइजा है ना, ये जो लोग बोलते हैं कि ये अपना ग्रैन्यूल फॉर्म में माइक्रोराइजा डालते कि माइक्रोराइजा बेस ग्रैन्यूल फॉर्मुलेशन है, तो इतना इतना डालो तो आपको माइक्रोराइजा देने का जरूरत नहीं होती, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं है। देखो ये ग्रैन्यूल फॉर्म में है, ओनली 1-2% होता है, वो जो ग्रैन्यूल है उसको कोटिंग करते हैं, तो कोटिंग करने के बाद वो जो स्पोर्स है तो उसका एक तो मात्रा बहुत होती है, मीन्स 1-2% ही उसमें माइक्रोराजा डालते हैं और वो कोटिंग होता है। ये जो कोटिंग के वजह से वो तुरंत यूज नहीं, जो रिजल्ट दिखते हैं माइक्रोराजा के है नहीं, वो रिजल्ट दिखते हैं बाकी ह्यूमिक एसिड वगैरह या बाकी पीजीआर के रिजल्ट दिखते हैं। इसलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो कंपनी का माइक्रोराइजा बेस बायो फर्टिलाइजर जो ये जो सप्लीमेंट है सॉइल सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें उसका कुछ रोल नहीं, माइक्रोराइजा का रोल है ही नहीं। तो ये इसमें जो आप देखेंगे ये जो अपना ये पाउडर फॉर्म का ये प्योर फॉर्म का है, उसमें इसमें 50% माइक्रोराइजा है, 1 ग्राम में 225 पोर्स है, तो वहां पे तो उतने टोटल बैग में उतने नहीं मिलते। तो ये यार सबसे मेन ये यूएसए का माइक्रोराइजा है ना, यूएसए का माइक्रोराइजा है, तो आप उसको इस माइक्रोराइजा समझ के आप बायो फर्टिलाइजर जो डाल रहे हैं जो ग्रैन्यूल फॉर्म में, उसका इतना मिस उसका यूज होगा ही नहीं। उसके बेहतर भी मार्केट में बहुत अच्छा था, जैसे सुमिटोमो ने लास्ट ईयर एक प्रोडक्ट दिया था बायो फर्टिलाइजर बेस लाटू, तो वो आप यूज कर सकते हैं, वो प्योर फॉर्म का प्रोडक्ट है, और उसके बाद आप बेसल डोज में वो डाले, उसके बाद 5 साल के बाद आप नेचर डिप डाली, तो ये प्योर फॉर्म का माइक्रोराइजा उसमें काम कर रहे। चलो चलो, खुशी का कुछ क्वेश्चन है तो हम कर लेंगे, तो या विदा लेते हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा है, इसमें अपने बहुत सारे प्रोडक्ट कवर कर दिए, वही है सबने लगभग 1 घंटा के ऊपर हो गया, सभी ने इतना पेशेंस देके ये प्रोग्राम सुना है, ये बायो रैशनल जो प्रोडक्ट है आपने सुना, इसके लिए सभी से धन्यवाद। गरिमा जी, मैं निवेदन करता हूँ कि आप प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, इतना डिटेल्ड आपका जो प्रेजेंटेशन था उसके लिए, और सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, श्री हेमंत शेलार ही वो हैं जिन्होंने बायो रैशनल्स की अगर बात करें तो एक नए आयाम पे लेकर के गए हैं, एक नई ऊंचाई पे लेकर के गए हैं बायो रैशनल्स को, और इन्होंने बहुत बहुत बढ़िया कदम और बहुत अच्छे कदम उठाए हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बायो रैशनल्स का कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचाना एज अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट की तरह लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना कि बायो रैशनल्स की क्या का क्या पोटेंशियल है और किस तरह से ये आपकी आपके कृषि उत्पादन को बढ़ाना ही नहीं, किस तरीके से ये एक नया ही आयाम दे देते हैं आपके कृषि उत्पादन को, इन सभी चीजों में श्री हेमंत शेलार जी का बहुत बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और यही रीजन है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे जब हमारा पहला दिन था बायो रैशनल्स नेक्स्ट का, तो हेमंत जी का होना हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो हेमंत सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट डिटेल्ड डिस्कशन, और सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी अपने अपने इनसाइट्स ऐड की हैं,
बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और सागर जी, क्लोज करने से पहले एक बार आपको कहना चाहूंगी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं और फिर हम लोग इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। यस गरिमा जी, मुझे लगता है जो ये इस मीटिंग का हमारा एम था कि किसानों तक हमारे बायोरेशनल की सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, तो मुझे लगता है हमने काफी डिटेल में ये जो बायोरेशनल प्रोडक्ट्स है वो कैसे यूज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, और खास करके सुमिटोमो के तीन उत्पाद जैसे नेचर डीप, डाइपेल, प्रोजिप ईजी, इनका उपयोग अपनी फसल में, खास करके वेजिटेबल चिली की फसल में कैसे करना है वो हमने सीखा। तो ऐसे ही कुछ माध्यम से मुझे लगता है हम बनाना की फसल, केले की फसल में भी इन उत्पादनों को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, इसके लिए एक बार और एक सेशन हम कल लेके आएंगे, तो और जानकारी हम इन उत्पादनों के उपयोग में केले की फसल में भी देखेंगे। तो सारे किसानों पर बहुत धन्यवाद, और ये जो शुरुआत हमने की है बायोरेशनल्स के लिए, तो आप उसका उपयोग करिए। शुरुआत में हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि कैसे उपयोग करना है, कितनी मात्रा, कब करना है, तो हमारी पूरी टीम एमपी के लिए खास करके पूरी टीम यहाँ पे उपलब्ध है, अलग अलग तरह से फोन से या यूट्यूब सेशन से, चैट बॉक्स से आप हम तक पहुंच सकते हैं, और सही जानकारी हम आप तक पहुंचाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। धन्यवाद हेमंत सर, और इसी के साथ मैं गरिमा जी आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कार्यक्रम के आप बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। तो जैसे सागर जी ने कहा, हमारी कल फिर हम एक प्रोग्राम लेकर के आने वाले हैं, और कल एक्चुअली फिर से हमारे एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो रहेंगे इसी श्रृंखला के अंतर्गत, जिसका नाम है बायोरेशनल्स नेक्स्ट। और बायोरेशनल्स नेक्स्ट का नाम याद रखें और जुड़े रहें फार्मिंग ट्यूब के साथ, क्योंकि यहीं पर सारे ये जो भी सेशंस हैं हमारे ये प्रसारित होंगे। और इस प्रोग्राम का जो इस प्रोग्राम ने जो बीड़ा उठाया है कृषि उत्पादन को एक नए आयाम तक पहुंचाना, एक नई दिशा तक पहुंचाना, हम सभी उसमें आपका सहयोग चाहते हैं। और हमारे साथ बने रहें इन 20 दिनों तक के लिए, जुलाई 19 या 20 को हम लोग इस प्रोग्राम को अंत करेंगे, और तब तक अलग अलग क्रॉप्स में बायोरेशनल्स के इस्तेमाल को लेकर के हम लोग अलग अलग शोज करेंगे, अलग अलग यूट्यूब लाइव सेशंस करेंगे, और आप सभी सादर आमंत्रित हैं उन सभी सेशंस का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।